तो आपने देखा, मतलब अलग ही वेशभूषण है। तो क्या है ना, मेरा शादी आ चुका है, तो सभी भाइयों को ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। सभी के लिए निमंत्रण है सभी का, तो सभी भाई लोग आएँ, जो भी आना चाहता है अपने भाई की शादी में, तो सभी को निमंत्रण है, तो सभी आएँ। और भाई तो आप देख सकते हो, आपके लिए क्योंकि वीडियो नहीं आ पाएगी लोहड़ी माता की, तो ये वीडियो आप देखना ज़रूर पूरी, और इसके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो भी आएगा तो वो देखना। जैसे कि आपको पता होगा, नरवर एक छोटा सा गांव है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटा सा। लोहड़ी माता की वजह से आजकल ज़्यादा लोग बाग आ रहे हैं, यानी ज़्यादा फेमस हो गया है। गांव के हिसाब से आप देख सकते हो, हमारे यहाँ पे जो रीति रिवाज है वो चल रहा है। तो वीडियो को पूरा देखना, जब भी आपके समझ में आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे मेरे को माता पूजते हैं, जो कि शादी से पहले माता पूजते हैं, सब जगह पूजती है वो माता, तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी पूजती है। तो शादी से पहले हम माता पूजने गए थे, तो वहाँ का ये फुटेज है। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा फुटेज देखिए, उसके बाद फिर आगे फिर आपको फिर मिलते हैं। तो अभी फिलहाल आप फुटेज देखिए। अपन तो केवल पोजीशन देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं? सिंगार थोड़ी देख रहे हैं। धीरेन्द्र बेटा को भी आओ, करो बढ़िया। पानी पीना है क्या? चले अपन पीओ। तो जैसे कि आप देख सकते हो सामने की ओर, जो कि एक पेड़ है, तो वहाँ पे पुरानी माता है, जो शादी से पहले यहाँ पे पूजन होता है। तो इसके बाद क्या, घर से निकलना बंद हो जाता है, मतलब जो भी लड़का हो लड़की हो, घर से निकलना उनका बंद हो जाता है ये माता पूजने के बाद। तो यहाँ पे माता पूजने के बाद सभी, जो कि बुआ जी, ताई जी, बुआ जी, भाभी, जो भी है, सभी गाँव के और रिलेटिव में जो भी खास होते हैं वो लोग आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मतलब पूजा होने के बाद ये थोड़ा सा डांस वगैरह करते हैं, जो कि ढोलक वालों को पैसे वगैरह देना होता है, और मतलब जो भी होता है वो सब रीति रिवाज के साथ करते हैं। उसका मतलब मनोरंजन टाइप का होता है पूरा फुल। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देख सकते हो आप पूरा, चलिए हम आपको फुटेज और दिखवा दें, फिर उसके बाद और बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो कि पैदल चल के आए थे, तो सभी थक हार गए थे, तो यहाँ पे पूरी थकावट दूर हो चुकी थी और सभी ने मनोरंजन हुआ सभी का अच्छे से, मतलब सब भी सब खुश थे और अपने अपने डांस में सब मगन थे। मतलब एक तरह से मनोरंजन ही था, टाइम पास था एक थोड़ा सा, जो कि सब लोगों का हो गया है। इसके बाद फिर हम यहाँ से निकलते हैं घर की साइड। तो यहाँ से आप देख सकते हो सभी लोग फ्री हो चुके हैं। जो भी गांव का है, तो क्या हम गांव से थोड़ा बाहर रहते हैं, जो कि आपने लोहड़ी माता का मंदिर देखा, तो जस्ट उसी के पास भी अपना घर बना हुआ है, तो वहीं पे अपन रहते हैं। तो वो गांव के अंदर रहते हैं, तो पूरे गांव के लोग घर पे आते हैं। उसके बाद फिर हम गाँव में गए माता पूजने के, फिर लौट के घर पर आ गए। तो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त, और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो भाई नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, और जो भी पार्ट आते जाएंगे आपको बाकायदा बेझिझक अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप देखना ज़रूर। उसके बाद फिर मिलेंगे हम आपको लास्ट में।